हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल का बटन है उसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा और ट्रेवल ब्लॉग का जो लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ सीधे आपके पास पहुँचेगा। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, कई सारे रिक्वेस्ट आए और कई लोगों ने मुझे ईमेल करके मुझे पूछा कि सर, मैं ताइवान विज़िट करना चाहता हूँ, ताइवान जाना चाहता हूँ और ताइवान जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ताइवान का वीज़ा मैं कैसे लूँ और सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है ताइवान के वीज़ा के लिए। तो उसी बेस पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फुल है आपके लिए, अगर आप ताइवान विज़िट करना चाहते हैं। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि ताइवान का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। ताइवान विज़िट करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आज आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा तरीका है, वो तरीके आपको मैं बताऊँगा दोनों के दोनों। तो दोनों ही काफ़ी ईजी हैं, एक तो बहुत ज़्यादा ईजी है, दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ताइवान विज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप ताइवान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाइए और वहाँ पे ताइवान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फिल करना है, एप्लीकेशन फिल करना है और एप्लीकेशन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद उसका फॉर्म आप निकाल के, फॉर्म का प्रिंट लेके आप ताइवान के एम्बेसी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ विज़िट करने के बाद आप वहाँ दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीड होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका पासपोर्ट स्कैन, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए कम से कम, और उसके बाद आपके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए, कन्फर्म होटल की बुकिंग होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपने होटल को पेमेंट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका जो होटल हो वो कन्फर्मेशन आपको मिल जाना चाहिए और उसका प्रिंट आपको निकाल लेना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, आपको आइटनरी देना पड़ेगा डे बाय डे कि आप ताइवान अगर विज़िट कर रहे हो तो वहाँ पे कहाँ कहाँ जाओगे, किस किस जगह पे विज़िट करोगे और कैसे क्या करोगे, वो एक एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ जाओगे। तो डे बाय डे आइटनरी आपको बना के देना पड़ेगा। अगर आप डे बाय डे आइटनरी नहीं बना पा रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो बनाऊँगा आइटनरी कैसे बनाया जाए उसके बारे में आपको बताऊँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे आइटनरी बनाया जाता है। तो वैसे तो अधिकतर लोगों को मालूम है आइटनरी कैसे बनाया जाता है, तो अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो तो आपको डे बाय डे आइटनरी बनाना पड़ेगा। उसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट की बात, तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ आपसे और बताना चाहता हूँ कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो तो कम से कम आपके बैंक में 1.5 से 2 लाख रुपए होना चाहिए। अगर 1.5 से 2 लाख रुपए आपके बैंक में नहीं है तो हो सकता है कि आपका जो ताइवान एम्बेसी है वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे या आपको वीज़ा ना दे। तो कम से कम आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आपको सो मनी दिखाना पड़ेगा। अगर 1.5 से 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं एक चीज़ आपसे ये भी बताऊंगा कि अगर FD है तो भी चलेगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में 1.5 से 2 लाख रुपए होना चाहिए। और ये नहीं कि आपको जाना है 1 महीने पहले तो अभी तक आपका 2 महीने से आपका अकाउंट नील पड़ा हुआ है, उसमें पैसा है नहीं, इकट्ठा आपने उठा के उसमें 1.5 लाख रुपये डाल दिया या 2 लाख रुपये डाल दिया, इस तरीके से आप करोगे तो एम्बेसी वाले समझेंगे कि आप फ्रॉड हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, 6 महीने का अगर आप स्टेटमेंट लगा रहे हो तो 6 महीने में आपका 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये की 3 लाख रुपये का आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। 20 से 30 हज़ार निकालते रहो, डालते रहो इस तरीके से, ये नहीं कि आपके अकाउंट में 5 हज़ार रुपये पड़ा है फिर आपने किसी से 1.5 लाख रुपये लेके या 1 लाख रुपये लेके उसमें डाल दिया और आप सोच रहे हो कि बस मैं दिखा दूंगा एम्बेसी में और मेरा वीज़ा अप्रूव्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रॉड और ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो आपको जो कागज़ दिखाना है वो ओरिजिनल दिखाना है। उसके बाद जो आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे वहाँ पे आपको बैंक से बाकायदा मोहर लगवाना है। मोहर लगवाने के बाद बैंक में जो ऑफिसर जो काम करते हैं उनसे आप सिग्नेचर करा लीजिएगा।
और वो आपका लगेगा। फ़ोटो का साइज़ तो आपको पता ही है कि फ़ोटो साइज़ क्या है, फ़ोटो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, फ़ोटो जो नॉर्मल वाइट बैकग्राउंड में चलता है वही आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर आप सैलरीड हो, अगर आप कहीं काम करते हो तो आपका सैलरी स्लिप लगेगा। सैलरी स्लिप आप बनवा सकते हो जहाँ आप काम करते हो वहाँ से, और बनवा के आप 3 महीने की सैलरी स्लिप आप लगा सकते हो। और अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका करंट बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लगेगा, उसमें भी 1.5 से 2 लाख रुपए होना चाहिए। साथ में आपका जो फर्म है उस फर्म का रजिस्ट्रेशन और उसका नंबर, वो कॉपी आपका पूरा लगेगा, तो वो भी आप लगा सकते हो और दिखा सकते हो। तो ये हो गया आपका बिज़नेस लाइसेंस आप लगा दीजिए। और अगर आप क्या नाम है, आपका बिज़नेस है, अगर आप सैलरीड हो तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक अपने बॉस से आप बनवा के लगा सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि हाँ, मैं यहाँ घूमने के लिए जा रहा हूँ, मेरा बॉस ने मुझे इतना छुट्टी दिया है और मैं 10 दिन के लिए वहाँ घूमने जा रहा हूँ, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। तो ये इतना प्रोसेस है। और वर्किंग डे कितना लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 से 4 दिन आपका वर्किंग डे लगता है। 3 से 4 दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो 3 से 4 दिन में आपको स्टिकर वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही इजी और शॉर्ट वे आपको ये तरीका है। और इसकी फ़ीस कितनी है, पहली चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ कि ताइवान एम्बेसी में आपको जाके देना पड़ेगा अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। BFS के माध्यम से होता नहीं है, तो BFS आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ताइवान एम्बेसी जाना पड़ेगा और वहीं से आपको वीज़ा मिलेगा। और फीस की बात करता हूँ तो 3300 रुपये है, 3300, तो आप इतना पे करके आप वीज़ा ले सकते हो और स्टिकर वीज़ा रहेगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद में बात करता हूँ दूसरे तरीके की, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शॉर्ट है और मतलब काफ़ी अच्छा है आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास अगर वैलिड यूरोप का वीज़ा है, शेंगेन वीज़ा आपके पास है, तो फिर आप ताइवान विजिट कर सकते हैं, आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका एक प्रोसेस है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा क्या प्रोसेस है। तो अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है किसी भी कंट्री का और वो वैलिड है पूरी तरह से, तो आप विजिट कर सकते हो। और उसमें भी मल्टीपल एंट्री होनी चाहिए शेंगेन वीज़ा में। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जापान की, अगर आपके पास जापान का वीज़ा काफ़ी आसानी से इंडियंस को मिल जाता है और वीज़ा की फ़ीस भी काफ़ी कम है, आपको 1000-1500 रुपये में आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद काफ़ी इजीली जापान का वीज़ा मिल जाता है। तो अगर आपके पास जापान का भी अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप ताइवान विज़िट कर सकते हैं और उसमें आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से वहां जा सकते हैं, क्योंकि जापान और ताइवान अगल बगल है, तो आप एक साथ दोनों एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप ताइवान होते हुए जापान जा सकते हैं। उसके बाद बात करता हूँ साउथ कोरिया की, अगर आपके पास साउथ कोरिया का भी वीज़ा है तो भी आप जा सकते हैं ताइवान। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपके पास जापान का वीज़ा हो, चाहे आपके पास साउथ कोरिया का वीज़ा हो, चाहे आपके पास शेंगेन वीज़ा हो लेकिन वैलिड हो, इन वीज़ों के ज़रिए आप जा सकते हैं ताइवान और विजिट कर सकते हैं। ताइवान बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और बहुत ही अच्छा देश है ये। अच्छा, कैसे जा सकते हैं, आपके पास ये अगर इतना कुछ है तो आपको एक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ताइवान की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप हांगकांग का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन निकालते हैं वैसे ही आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसका प्रिंट आपको निकालना पड़ेगा। उस प्रिंट को निकाल के आप विजिट कर सकते हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसकी एक वीडियो बना के इस चैनल पर डाल दूँगा, और अगर आप कर लोगे तो फिर कोई बात नहीं। तो अगर आप लोग नहीं कर पाते हो कि कैसे आपको वो ROC निकालना है, कैसे आपको प्री रजिस्ट्रेशन निकालना है, तो मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा और डाल दूंगा। तो उसकी मैं जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक करके और वहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो और उसका कोई चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा तरीका आपके पास ये है कि सबसे पहले आप जापान का वीज़ा आप निकाल लीजिए। जापान का वीज़ा निकालने के बाद जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन है ताइवान का, वो भी आप प्रिंट कर लीजिए, वो भी आप निकाल दीजिए, फ्री चार्ज है तो उसको भी आप ले लीजिए। उसके बाद आप ताइवान विज़िट कर सकते हैं।
अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों से शेयर करना था। कई सारे फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने ये वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन को लगता है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी काफ़ी नॉलेज मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।